हेलो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं हम आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स का इंट्रो हम दे चुके हैं पिछले वीडियो में, आप जाकर देख लीजिएगा उसमें। ठीक है, अभी आपकी एक्सरसाइज इन सब इंट्रो के बाद, ठीक, जितनी भी एक्सरसाइज रहेगी वो सब करवाइए। बुक का नाम आप जान चुके हैं, ठीक है, आर्यश अग्रवाल का ही रहेगा। क्लास 7 है, मैथ चैप्टर है। अब यहाँ पर फर्स्ट इसका रूल बताते हैं, ठीक है। ए माइनस बी इक्वल ए प्लस, यहाँ पर ए प्लस आने का कारण एडिटिव इन्वर्स होने पर ये माइनस में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कम्युलेटिव होता है और एसोसिएटिव होता है सब्ट्रैक्शन में नहीं आता, ठीक। मतलब एक प्रकार कह सकते हैं, जो कम्युलेटिव होगा और जो एसोसिएटिव होगा ये सब्ट्रैक्शन में, आपका जो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन है इसमें नहीं आएगा। तो फाइनली चलें यहाँ पर इसका पूरा देख लीजिए। जैसे यहाँ पर है आपका ए माइनस बी, इस तरफ ये प्लस में होगा ना बी, तो इस तरफ आके आपका ये एक्चुअल में माइनस में हो जाएगा, और जो आपका एडिटिव इन्वर्स कर रहा है ये प्लस में कर देगा। प्लस में है तो प्लस में, यहाँ पर है अगर इस तरीके से है ए माइनस माइनस का बी है तो ए तो प्लस में है, एडिटिव इन्वर्स होने पर ये माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए आपका ए प्लस बी आर ए माइनस बी जो है ये आपका ए माइनस माइनस बी है, अब इक्वल करने पर इसको ए प्लस बी करेंगे तभी ये दोनों सेम हो पाएंगे। चलिए चलते हैं, अब देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट का सब्ट्रैक्शन है। इसमें क्या करना है हमें, 9 फ्रॉम 4, 4 में से 9 को घटाना है। अब आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, 4 में से 9 को घटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मुझे 4 में से 9 घटाना है। अब बात ये आ गई कि 4 जो हमारा ये प्लस में है और यहाँ पर माइनस है, और ये भी क्या है, हमारी संख्या प्लस में है, तो मुझे बताइए किसी छोटी संख्या में से कोई बड़ी संख्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो संख्या ऑटोमेटिकली माइनस में आ जाएगी, यानी ऑटोमेटिक माइनस में आ जाएगी, ठीक है। जैसे देखते हैं माइनस प्लस का 4 है, माइनस का 9, प्लस माइनस होके माइनस, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो संख्या बड़ी रहेगी उसका साइन लेते हैं, इतनी बात तो पता होगी। तो इसके आगे माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -5, क्या आ जाएगा -5। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, रुक जाए, हम इरेज वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा देखते रहिए उसको, ठीक। तो इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब फर्स्ट वाला तो हो गया 9 फ्रॉम 4, सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड में क्या है, -8 फ्रॉम 5, 5 में से -8 को घटाना है। पहली बात तो आप जान रहे हैं क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट तो सभी में करना है, लेकिन यहाँ 5 में से -8 को, तो 5 में से अगर -8, और ये -8 पहले से भी है तो इसको ऐसे लिखेंगे -8। क्लियर हुई बात, माइनस माइनस होके हमारा प्लस, 5 और 8 क्या हो जाएगा 13, यानी आपका आंसर आ जाएगा 13, क्या आ जाएगा 13। चलिए ये सेकेंड भी हो गया, चलिए इसको भी इरेज कर देते हैं। थर्ड में देखते हैं 7 फ्रॉम -6, अब -6 में से 7 को घटाना है, तो ऐसे करेंगे -6 -7 को करना है तो 7। अब यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं करना है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। देखिए अगर कोष्ठक हटाएंगे तो -6 और -7, माइनस माइनस हो के प्लस, लेकिन जिसके आगे जिस संख्या के आगे साइन, जो संख्या बड़ी रहेगी उसके आगे वाला साइन ले लेते हैं, ठीक है, जो भी संख्या बड़ी रहेगी हम उसका ही साइन लेते हैं, ये बात क्लियर होना चाहिए। -6 -7 कितना हो जाएगा 13, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा -13, ठीक है। हमें लग रहा है कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट रह जाए तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके से जो इंटीजर्स में आपको फंसाए वो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये अब फोर्थ में चलते हैं, -9 फ्रॉम -5, -5 में से -9 को घटाना है, -5 में से -9 को घटाना है, एक्चुअल में ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, अब कैसे करेंगे। अब तो बात फंस गई, फंसी नहीं है कुछ नहीं, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करने पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ये प्लस और इनका जो है क्या कहते हैं उसको, ब्रैकेट, ब्रैकेट तोड़ने पर ये -5 उतर आएगा, तो ये प्लस माइनस होके माइनस का हो जाएगा,
लेकिन यहाँ पर जो जो संख्या बड़ी रहेगी उसका साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, लेकिन 5 में से 9 जाएगा या 9 में से 5 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा? 4, वो भी प्लस में से। क्यों बचेगा? क्योंकि ये बड़ी वाली संख्या प्लस में है, ठीक। एग्जैक्ट इतना तो समाप्त हुआ। चलिए अब कह रहा है कुछ चीजें राइट हैं एक्सरसाइज नंबर 2 में। इसमें लिखा है अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज माइनस इट। मुझे इंटीजर का वह पेयर बताइए जिसका सम मतलब ऐड मतलब जोड़, जिसका जोड़ कितना आए? माइनस का 8 है। अब तो दिमाग गई भैंस पानी में, क्या करना है? देखिए -5 लिखते हैं, चलिए ठीक है, यहाँ तक भी ठीक था। अब यहाँ पर प्लस करना है, सम ख्याल रखिएगा, प्लस का 13 कर लेते हैं। क्या कर देते हैं? प्लस का 13 कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर माइनस का 8 लाना है, प्लस का 13 कर दिए हैं। तो देखो भाई, प्लस तो मुझे जाहिर सी बात है करना है, इस माइनस को माइनस में न करके मैं प्लस में कर देता हूँ और इसको मैं माइनस में कर देता हूँ, ठीक है। अब तो बात बन रही होगी, और मुझे करना क्या है बीच में, इसके प्लस करना है। अब बताइए ये प्लस में है और ये माइनस में है, 13 बड़ा है या फिर 5? तो सीधे तौर पर दिख रहा है कि बड़े में तो वैसे 5 है जिस तरीके से हम लोग देखते हैं, लेकिन इसमें क्या है? -13 बड़ा है, ठीक है। तो 5 क्या है -13 में से, घटेगा या जुड़ेगा? तो देखिए जोड़ने पर क्या आ रहा है भाई, करेंगे तो नॉर्मली ही ना, प्लस माइनस माइनस आ रहा है, -13 और ये +5 में है ही। तो यहाँ पर 13 में से अगर 5 घटाएंगे तो 8 तो आएगा, या 5 में से 13 घटाएंगे -13 तो 8 तो आएगा, लेकिन कौन सा 8 आएगा? जिस संख्या के जो संख्या बड़ी रहे उस संख्या का साइन ही हम उस संख्या में लेंगे जो हमारा आया रहेगा। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या हमारी 13 है, और 13 के आगे माइनस है, तो ये भी हमारी माइनस है, तो ये हमारा वैल्यू एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। अब चले एक को हम समाप्त करते हैं, ठीक है। हाँ अब सेकेंड में आते हैं, अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस इज -12। अब मुझे इंटीजर का ऐसा पेयर लेना है जिसका डिफरेंस मतलब घटाना या फिर सब्ट्रैक्शन करने पर -12 आए। चलिए माइनस का 6 माइनस माइनस का 6 लेते हैं, ठीक है। क्या ये करने पर आ जाएगा क्या? अब यहाँ पर मैं एक ट्विस्ट लाता हूँ, देखिए यहाँ पर ये माइनस का 6 ले लिया। अच्छा यहाँ पर कोई ऐसा तो कहा नहीं है कि माइनस का ही 6 लीजिए और प्लस का ही 6 लीजिए, कुछ नहीं कहा है। मुझे सिर्फ 12 लाना है, तो मैं किसी तरीके से भी ला सकता हूँ, तो ला सकते हैं आप भी। -6 और ये +6 है, लेकिन यहाँ बीच में क्या है? माइनस डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस के लिए माइनस लगाते हैं, तो प्लस माइनस का -6, ये गया आपका कोष्ठक, या फिर इसको आप ब्रैकेट करते हैं, या -6। तो माइनस माइनस प्लस एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है, माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 6 12। लेकिन साइन किसका आ जाएगा? बड़े वाले का, बड़े तो दोनों हो, तो दोनों में से कोई एक ले लेंगे, ठीक है। तो -12 ये भी क्लियर हो गया। तो सेकेंड चलिए, ठीक है। अब बात आती है थोड़ा उलझन में डालने वाली, कि अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज 0। अब तो दिमाग चक्कर काट गया कि अब क्या करें, कि जिसका पेयर वह कौन सा इंटीजर का पेयर है जिसका सम मतलब जोड़ यानी एडिशन करने पर मुझे 0 प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पर माइनस के 5, अब प्लस सम कहाँ है? यहाँ पर 5 ले लेते हैं। अब भाई अब तो दिमाग खतरा में पड़ गया, प्लस 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 ही रहेगा, तो एक ब्रैकेट हट गया 5 और माइनस के 5, अब बीच में तो प्लस है ये वाला, ठीक। लेकिन -5 और +5, अब बताइए एक माइनस में है और एक एक प्लस में है, तो एक से एक माइनस करेंगे तो 0 बचेगा ना, तो इसे 5 माइनस है, 5 प्लस है, प्लस माइनस होके 0, तो ये अभी आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। अब कहेंगे सर कोई दूसरा लीजिए, तो -6 फिर +6 ले लीजिए, -6 प्लस +6 -7 प्लस +7, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं जो सम करेंगे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, अ नेगेटिव इंटीजर, कोई नेगेटिव इंटीजर लेना है एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम
और यहाँ पर क्या करना है, सम करना है, तो यानी यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। अब इसका इक्वल माइनस सिक्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए, माइनस सिक्स। अब तो बात फंस गई, पूछे कैसे, यहाँ पर ले लेते हैं माइनस का 12 प्लस यहाँ पर ले लेते हैं 6, ठीक है। तो प्लस और प्लस, प्लस का 6 ब्रैकेट कट, माइनस 12। अब प्लस माइनस ओके, माइनस तो होगा लेकिन क्या होगा, 6 12 में से 6 जाएगा तो 6, लेकिन संख्या कौन सी नंबर आएगा, जिस नंबर के जो नंबर सबसे बड़ी रहेगी उसका ही साइन ले लेते हैं तो 6 आएगा लेकिन माइनस में, ठीक है। तो ये क्या एग्जैक्ट आया, ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ यहाँ पर डाउट लगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल पर अगर नए हैं तो, ठीक है। क्योंकि आप कहेंगे, अगर आप देखिए अपनी मेजोरिटी बनाते हैं और उसमें 10 लोग अगर एक दिन कमेंट करते हैं कि ये फलाना चैप्टर का आगे पढ़ाइए तो मैं उसमें पढ़ा दूंगा, ठीक है। कम से कम 10 लोग होने चाहिए, एक साथ कमेंट आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपका सीरियल वाइज सीरियल चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया है। अब आते हैं फोर्थ, फाइव, फिफ्थ में, ठीक है, फोर्थ हो गया फिफ्थ में। अ निगेटिव इंटीजर्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, हुज डिफरेंस, पहली बात तो एक निगेटिव रहेगा और फिर इसका डिफरेंस यानी माइनस रहेगा और आगे क्या है, पॉजिटिव रहेगा, उसमें डिफरेंस इज माइनस का 4 आना चाहिए। अब तो दिमाग चक्कर काट गया, अब क्या करें, माइनस का 4 आए। देखें यहाँ पर अगर हम माइनस 2 लेते हैं, माइनस फिर 2, ठीक है, ये प्लस में तो 2 है ना, तो प्लस माइनस ओके, माइनस का 2 और ये माइनस का 2 इक्वल हो जाएगा आपका माइनस का 4, ठीक है। अब कहेंगे सर दूसरी वैल्यू लेकर बताइए, तो दूसरी वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसे देखें यहाँ पर मुझे कोई ऐसी वैल्यू बताइए जो मैं दूसरा ले लूँ, जैसे माइनस का 3 ले लिया और यहाँ पर माइनस है और यहाँ माइनस का, सॉरी प्लस का लेना है तो प्लस का 1 ले लिया, ये प्लस माइनस ओके, माइनस का 1 और ये माइनस का 3, प्लस माइनस ओके, माइनस सॉरी माइनस माइनस ओके, प्लस तो 3 1 4, लेकिन किस में, माइनस में, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया सभी वैल्यू, तो आज का यहीं तक टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, थैंक यू।